का हमारा टॉपिक है सोडियम, राइट? सो सोडियम क्या है? एक एलिमेंट है, बॉडी को चाहिए, क्यों चाहिए? सारे काम करने के लिए। नमक में सोडियम है, सॉल्ट कंटेन सोडियम, एंड दैट्स वन ऑफ द रीजन व्हाई यू नीड सॉल्ट। सी द बॉडी एक्चुअली यूजेस सॉल्ट, थैंक यू, द बॉडी राइट, सॉल्ट एक्चुअली ऑकर्स नेचुरली इन मोस्ट फूड्स ऑल्सो, वेरी वेरी कॉमनली मेनी फूड्स, ज्यादातर खाने पीने की चीजों में नमक होता है। और सोडियम, नमक बेसिकली सोडियम क्लोराइड है, NaCl है। लेकिन लेकिन नमक के अलावा जैसे मिल्क हो गया, बीट रूट हो गया, अपना सेलरी, हर चीज में मतलब नेचुरली थोड़ा बहुत सोडियम होता है। और पानी भी, पीने के पानी में भी सोडियम होता है, बहुत कम अमाउंट में है और सोर्स पे डिपेंड करता है। इसलिए कई बार पानी थोड़ा खारा लगता है, खट्टा लगता है, कई बार नॉर्मल लगता है, डिपेंडिंग अपॉन दी अमाउंट, राइट? और सोडियम कई सारे खाने पीने की चीजों में भी डाला जाता है, और सोडियम बहुत सारे प्रकार से डाला जाता है। कई बार सोडियम के अलग सॉल्ट्स होते हैं, जैसे मोनोसोडियम ग्लूटामेट, MSG, सुना होगा, जैसे सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम सैचरीन है, बेकिंग सोडा है, सोडियम बेंजोएट है, राइट? इन सारे आइटम्स में जितने भी होते हैं वो भी सोडियम सॉल्ट है। सोडियम के सॉसेस भी बनते हैं, सोया सॉस, अनियन सॉल्ट आता है, गार्लिक सॉल्ट आता है, बाकी हिमालयन सॉल्ट, ये सॉल्ट, वो सॉल्ट, हमने इंडियन सॉल्ट्स भी हैं, ब्लैक सॉल्ट्स और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन सब प्रकार के फूड सोर्सेस होते हैं सोडियम के। इवन जो प्रोसेस्ड मीट होता है, प्रोसेस्ड मीट जैसे अपना बेकन, सॉसेज, हैम, और कैंड सूप्स होते हैं, कैंड फूड होता है, वेजिटेबल्स जिनमें जो कैंड होते हैं, जिनको जो कैन में आते हैं, उनमें काफी ज्यादा हाई सॉल्ट रखा जाता है, बिकॉज सॉल्ट एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव ऑल्सो। प्रिजर्वेटिव कहाँ पे? पिकल्स बनाते हैं हम, अचार बनाते हैं, अचार में भी सॉल्ट होता है, राइट? और फास्ट फूड जो होते हैं ज्यादातर, जो हम खाते हैं, बाकी मैकडोनल्ड्स, KFCs, रेस्टोरेंट्स में फास्ट फूड्स, बर्गर्स एंड ऑल, दे आर क्वाइट हाई इन सोडियम, क्वाइट फ्रेंकली। अब इस सब से बताने का उद्देश्य यह है कि कितने सारे सोर्सेज हैं आपकी बॉडी में सोडियम के आने के। तो सोडियम बहुत आसानी से आपकी बॉडी में हो जाता है हाई, और जब सोडियम हाई हो जाता है तो आपकी बॉडी में होते हैं साइड ऑफ द इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? सोडियम हाई हो जाने को मेडिकल लैंग्वेज में हाइपर नैट्रीमिया कहते हैं। नाइट्रीमिया का मतलब सोडियम, सोडियम इज नाइट्रीमिया, और हाइपर इज हाइपर, हाइपो मतलब कम। तो सोडियम जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो ऑब्वियसली नंबर वन आपका बीपी बढ़ जाता है, तभी कहते हैं नमक कम, नमक कम, नमक कम। क्योंकि बीपी कैसे बढ़ जाता है? बीपी इसलिए बढ़ता है क्योंकि सोडियम को बॉडी गाढ़ा गाढ़ा नहीं रख सकती, इट हैज टू डाइल्यूट इट। तो आपके सोडियम को डाइल्यूट करने के लिए आपके खून में जब सोडियम बढ़ जाएगा तो आपके खून में, ब्लड में पानी 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 ज्यादा रुकेगा, वाटर रिटेन होंगे, वाटर रिटेनिंग जो भी कह लो आप, वाटर बचेगा ज्यादा, तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ज्यादा ब्लड उतनी ही पाइपलाइन में प्रेशर बढ़ा देगा, दैट्स व्हाई आपका ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। इसीलिए सोडियम कम खाने से, नमक कम कर देने से, फास्ट फूड छोड़ देने से, सलाद ज्यादा खा लेने से, नॉर्मल खाना खाने से, डैश डाइट कर लेने से आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ये है उसका सीक्रेट, ठीक? उसके अलावा जो बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट है सोडियम बिल्डअप का, जैसे जैसे आप ऐसे उल्टी सीधी चीजें खाते रहते हैं, जिसमें चाइनीज में मोनोसोडियम ग्लूटामेट बहुत यूज होता है, ले सोडियम, ले फास्ट फूड, ले नमक, ले नमकीन, ले आपका चूड़ा नमकीन, मसालेदार और सॉल्टेड पीनट्स और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आपका सोडियम बढ़ता जाता है, आपके रिस्क बढ़ जाते हैं। क्या रिस्क बढ़ जाता है? फ्लूइड इतना बड़ा होता जाता है, इतना ज्यादा होता जाता है, दैट फ्लूइड पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर, इतना सारा प्रेशर आपके हार्ट पे, आपके लिवर पे, आपके लिवर में सिरोसिस, और किडनी, लिवर, किडनी, हार्ट मेन ऑर्गन्स है जो कि हाई सोडियम डाइट लॉन्ग टर्म में डैमेज करती है। शॉर्ट टर्म में तो बीपी बढ़ जाएगा, लॉन्ग टर्म में ये डैमेज होगा, प्लस एडिशनली बीपी भी, ये तीनों चीजों को खराब करेगा। बीपी हाई रहेगा तो भी आपके हार्ट में डैमेज होगा, सो दोनों तरफ से प्रॉब्लम। सो सोडियम हाई हो जाए तो इतना प्रॉब्लम है। तो खाना कितना चाहिए?
रिकमेंडेशन क्या है? रिकमेंडेशन कहती है कि सोडियम आपके डाइट में होना चाहिए, बिकॉज कम हो जाए तो और खतरा, कम हो जाए सोडियम तो चक्कर आने लगेगा, ब्रेन डिहाइड्रेट होने लगेगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा तो पहले पहले थोड़ा थर्स्टीनेस, थोड़ा सा नींद ज्यादा आना, ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाएगा, और ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाएगा तो कोमा में भी जा सकते हो, ब्रेन डिहाइड्रेट हो गया तो दैट इज हाउ सोडियम इज इम्पोर्टेंट। सो सोडियम बैलेंस करना जरूरी है। आपको याद रखना चाहिए कि जो आपका टेबल सॉल्ट है वो 40% के आसपास सोडियम है, और एक टीस्पून में, एक टीस्पून में करीब करीब जो टेबल सॉल्ट आप लेते हो उसमें अराउंड 2,300 मिलीग्राम, यानी कि 2.3 ग्राम्स, है ना, अरे मिलीग्राम माइग्राम, तो वो सोडियम होता है उसमें, 2,300 मिलीग्राम सोडियम होता है एक चम्मच, एक टीस्पून सॉल्ट में, और उतना ही आपका डेली रिक्वायरमेंट है, डेली रिक्वायरमेंट, डेली रिकमेंडेशन सॉल्ट का है 2,300, 2,300 ग्राम मिलीग्राम्स ऑफ सोडियम, मिलीग्राम्स, राइट। एडल्ट को जो हेल्दी लिमिट है वो इतनी रखनी चाहिए, इससे कम रखनी चाहिए, और जिनकी बीपी हाई है, जिनको हार्ट डिजीज है, जिनको किडनी डिजीज है, उनको सोडियम कम करना चाहिए, कितना, 2,300 से 1,500 तक, 1,500 इज द लोअर लिमिट, इससे नीचे नहीं जाना है, इससे नीचे जाओगे तो नुकसान हो जाएगा, फिर आपका किडनी, लिवर और हार्ट और दिमाग मार खाएगा, सो डोंट डू दैट, राइट। एडल्ट्स विथ हाई ब्लड प्रेशर इतने, इससे ज्यादा नहीं लेंगे, जिनको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, जिनको लिवर सिरोसिस है, जिनको किडनी डिजीज है, वो भी इतना ही लेंगे, राइट, इससे कम नहीं, राइट। और बच्चों को, या छोटे बच्चों को, या टीनेजर्स को, या इन्फेंट्स को भी कोई भी एज रिस्ट्रिक्शन इसका नहीं है कि आपको डेली कम खाना है सोडियम। आपका जो बच्चों का जो लिमिट है वो इस तरह से है, थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ, जैसे कि अगर आपकी उम्र 18 से नीचे है तो 18 से नीचे भी आपकी जो डेली लिमिट है वो है 1500, 1,500 mg, जो लोएस्ट लिमिट है वो आपकी डेली सेफ लिमिट है। और अगर आपकी उम्र 8 साल से नीचे है, 8 से 18 हो गया, 8 से नीचे तो 1200, उसके थोड़ा नीचे गए 3 साल से नीचे तो 1,000 मिलीग्राम, और मतलब 1200 तो फिर हो गया आपका, कितना हो गया, 1200 तो ये आधा चम्मच हो गया, 1200 आधा चम्मच हो गया, और 1,000 मिलीग्राम फिर अगर आप 1 साल के नीचे है, 1 साल के नीचे बच्चे के लिए 400 mg, मतलब आधे चम्मच का भी आधा ये हुआ। सो आप कैसे कर सकते हो, आप अपना ईटिंग हैबिट, अपना एटीट्यूड, जो फूड को देखने का नजरिया बदलेंगे बचपन से, तो आप आगे चल के अपने हैबिट्स को सुधार पाएंगे। इसीलिए इट्स अ गुड आइडिया कि बच्चों को बहुत ज्यादा सोडियम, बहुत ज्यादा फास्ट फूड, बहुत ज्यादा ये चीजें ना दी जाए, बहुत ज्यादा ही ज्यादा, कभी कभार ले लिया दैट इज ओके, बट देन दिस इज रिस्की। सो ये रिस्क होते हैं सोडियम के साथ, और सोडियम इज नॉट द बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर्स, सो सोडियम से बचें, इस रिकमेंडेशन के अंदर खाएं, सोडियम इंटेक इतनी रहनी चाहिए। तो ये हुई दोस्तों पहले बात हमारी, अब आपके सवाल और जवाब शुरू करते हैं, आप अपने कमेंट सेक्शन में लिखिए आपके सवाल। थैंक यू सो मच।